विशेषता यूथ टीम ने एकत्रित होकर के ये फाउंडेशन को मूर्त स्वरूप दिया है और इस फाउंडेशन के माध्यम से तमाम लोकोशिले वासी ही नहीं तो मुंबई वासी और महाराष्ट्र वासी की सेवा प्रदान हो की जाएगी। अनेक टीम के इस फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक वैद्यकीय और न जाने और कितनी सुविधा देने का मनोदय हमारे मित्र संस्था के अध्यक्ष दीपक चौहान जी का है और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने समाज पहली बार नहीं है कि कोई संस्था स्थापन करके उन्होंने समाज को अपने प्रति डेडिकेशन दिया है बल्कि ये टीम हमारी ऐसी है कि जो हमेशा समाज के लिए तत्पर रहती थी हमेशा समाज के लिए सेवा के लिए सुविधा के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं और शुरुआत कहीं ना कहीं से ऐसी होती है आगे चलते उसको बुलंदी मिलती है। तो मेरी पूरी शुभकामना है कि यूरोप फाउंडेशन की पूरी जो मिशन है कामयाब मिले और आगे चल करके भविष्य में यह फाउंडेशन बहुत बड़ा विराट स्वरूप प्रकट कर धारण करते हुए महाराष्ट्र की जनता की सेवा करें। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि शिखा और संगठित हुआ। निहाल जी की अगर बात करें, दीपक जी की बात करें, इन्होंने समाज को समझा और अब एक संगठन बनाया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद आपकी ओर से होगा? देश को आगे बढ़ाने का काम हमेशा युवकों ने किया। हमारे शहीद भगत सिंह, उन्होंने 23 तारीख में देश के प्रति अपना बलिदान देने तक की उनकी सारी तैयारियां हमने देखा है। समाज को, देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो इस देश का युवा, और जब युवक एकता होकर के सामाजिक कार्य का संकल्प लेते हैं तो उनकी तरक्की, उनकी प्रगति देश की प्रगति में विहित हो। और मेरी तहे दिल से पूरी प्रार्थना है, आशीर्वाद है, बल्कि मेरा एक्टिव योगदान भी रहेगा कि संस्था को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकारी योजनाएं हैं, महापालिका की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजना है, उनमें भी जो सरकारी ने प्राप्त किया उपलब्ध कराने का देना है सारी करके देने की तैयारी इस विषय के माध्यम से भी होती रहेगी। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये बच्चे मेरे पास आगे जाएं, अच्छा काम करें और देश की सेवा करें। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके संगठन का उद्घाटन हुआ है और खास तौर पर राजू पेडनेकर जी जो खुद एक कार्य सम्राट है उनके हाथों से आशीर्वाद मिला है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रोत्साहन? राजू साहेबांच्याकडे पहिल्यापासून प्रेम आहे, सहकार्य आहे, यापुढे असेल अशी अपेक्षा आणि चालू केलं आहे। बाकी काही नाही, युवकांच्या नोकरी, शिक्षण हा आमचा महत्त्वाचा फोकस आहे। मी आज फार काही जास्त बोलणार नाही कारण आज सुरुवात आहे, अजून काही केलं नाही, पहिलं करणार आणि मग तुमच्यासमोर येऊन तेव्हा रिझल्ट घेऊन तेव्हा बोलणार। धन्यवाद। निहाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये संगठन को आगे लेकर जाएंगे आप? ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मुझे आगे बढ़ाना है, सब करने वाले बच्चे, बोलने वाले बच्चे ने करके भी दिन आता नहीं है, मैं आगे बढ़ाना है, आप बंदी दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ता रहिए और हमारी शुभकामना है कि यह संस्था का नाम आगे चल के अच्छे से बढ़े और इनके हाथों से कार्यक्रम अच्छे से चलता रहे ताकि जनता के हित में इस सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनका काम इसी तरह से चलता रहे। अच्छी शुभकामना दीपक चव्हाण को और सारी टीम को हम देते हैं यही आशीर्वाद। जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, दुगना बात है, आज उनकी जयंती भी है और आज संगठन का उद्घाटन भी हो रहा है, क्या आशीर्वाद आपकी ओर से हो? फाउंडेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, दीपक चव्हाण जी है काफ़ी बच्चों को काफ़ी इमोशनली काफ़ी चीज़ें करते हैं, हम लोगों भी तो आर्टिस्ट लोगों भी काफ़ी सपोर्ट है तो हमारे लिए भी काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया और बच्चे लोगों के लिए काफ़ी करना चाहिए, युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी करना है, ग्रेट थिंग हिसाब से उसके लिए उनके सभी लोगों को।